अगेन आज हम साना साना हाथ जोड़ी पाठ के प्रश्न अभ्यास कर रहे हैं। ये अभ्यास जो है नोट्स बनाने के लिए हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतुक लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा था। रहस्यमय सितारों की रोशनी में लेखिका का सब कुछ समाप्त हो गया था। उसे ऐसे अनुभव हो रहा था जैसे उसकी चेतना लुप्त हो गई थी। लुप्त होना यानी गुम हो गई थी। बाहर और अंदर सब कुछ शून्य हो गया था। शून्य यानी जीरो, यानी बिल्कुल वह सूनापन महसूस कर रही थी। वह इंद्रियों से दूर एक रोशनी भरे संसार में चली गई थी। यह प्रश्न है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, उसके बाद जो क्वेश्चन आता है सेकंड क्वेश्चन, इसमें आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन है कि गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ स्त्री पुरुष बच्चे सभी पूरी मेहनत से काम करते हैं। स्त्रियाँ बच्चों को पीठ पर लादकर काम करती हैं। स्कूल जाने वाले विद्यार्थी स्कूल में से आने के बाद अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ सभी कार्य मेहनत से पूरे होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको नोट करना है, नोट्स बनाने हैं। और उसके बाद प्रश्न आता है कि कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। पाठ में आपने पढ़ा भी था कि वहाँ पर कभी रंगीन झंडे दिखाई दे रहे थे और कभी सफ़ेद, तो ये किसकी ओर संकेत करते हैं। उत्तर किस प्रकार से होगा, युमथांग जाते हुए रास्ते में बहुत सारी बौद्ध पताकाएं दिखाई दी। लेखिका के गाइड जितेन नारगे ने बताया कि श्वेत पताकाएं जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उस समय उसकी आत्मा की शांति के लिए फहराई जाती हैं और रंगीन पताकाएं किसी नए कार्यक्रम पर लगाई जाती हैं। जितेन नारगे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी लिखिए। उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, जितेन नारगे ने लेखिका को सिक्किम के बारे में बताया कि यहाँ का इलाका मैदानी नहीं पहाड़ी है। मैदानों की तरह यहाँ का जीवन सरल नहीं है। यहाँ कोई भी व्यक्ति नाजुक या कोमल नहीं मिलेगा। मैदानी क्षेत्रों की तरह यहाँ कोने कोने पर स्कूल नहीं मिलेगा। नीचे की तराई में एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। ये बच्चे स्कूल से आकर अपनी माँ की सहायता करते हैं। पशुओं को चराना, पानी भरना, जंगल से भारी भरकम लकड़ियों के गट्ठर सिर पर ढोकर के लाते हैं। सिक्किम की प्रकृति जितनी कोमल और सुंदर है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन उतना ही कठोर है। यानी लोगों का जीवन कैसा है, कठोर है। वहाँ पर देखने में बहुत सुंदरता है, कोमलता है, लेकिन भौगोलिक स्थितियाँ, पथरीले रास्ते हैं और पत्थर को काटकर लोग सड़क बनाते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं जनजीवन को कठोर बनाती हैं। उसके बाद प्रश्न आ जाता है कि लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देख करके लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र के विषय में
जितेन ने बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को उस घूमते चक्र को देख करके लगा कि पूरे भारत की लोगों की आत्मा एक जैसी है। विज्ञान ने चाहे कितनी अधिक प्रगति कर ली है, फिर भी लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य की मान्यताएं सब एक जैसी हैं। वह चाहे पहाड़ पर हों या फिर मैदानी क्षेत्रों में हों, उनकी धार्मिक मान्यताओं को कोई तोड़ नहीं सकता है। उसके बाद प्रश्न आता है कि जितेन नारगे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। यहाँ पर उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि जितेन नारगे एक ड्राइवर कम गाइड था। उसे सिक्किम और उसके आसपास के क्षेत्रों की भरपूर जानकारी थी। उसे सभी क्षेत्रों का पता था। जितेन एक ऐसा गाइड था जो पर्यटकों को असीम संतुष्टि कैसे दी जा सकती है जानता था। इसलिए वह और उसके सहयात्रियों को सिक्किम घुमाते हुए बर्फ दिखाने के लिए कटाऊ तक ले जाता है और उससे आगे चीन की सीमा आरंभ हो जाती है। इस प्रकार से जितेन नारगे जो है एक कुशल गाइड के जो सारे गुण होते हैं उसमें थे, और वह छोटी से छोटी भी जानकारी अपने यात्रियों को देना नहीं भूलता है। यात्रियों की थकान उतारने के लिए, उनके मन में बदलाव के लिए उनके पसंद के संगीत का सामान भी रखता था। एक गाइड के लिए अपने क्षेत्र के इतिहास की पूरी जानकारी होना आवश्यक है, जो जितेन को भरपूर थी। जितेन रास्ते में आने वाले छोटे छोटे स्थानों, जिनकी वहाँ के लोगों में श्रद्धा थी, के बारे में विस्तार से बता रहा था। एक कुशल गाइड से यात्रा का आनंद दोगुना हो जाता है। वह आसपास के सुनसान वातावरण को भी खुशनुमा बना देता है। इस तरह जितेन नारगे में एक कुशल गाइड के सारे गुण विद्यमान थे। प्रश्न आ जाता है कि इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि लेखिका का यात्री दल युमथांग जाने के लिए जीप के द्वारा आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी, वैसे वैसे हिमालय का पल पल बदलता वैभव और विराट रूप सामने आता जा रहा था। हिमालय विशालकाय होता गया। आसमान में फैली घटाएं गहराती हुई पाताल नामने लगी थी। कहीं कहीं किसी चमत्कार की तरह फूल मुस्कुराते हुए लग रहे थे। सारा वातावरण अद्भुत शांति प्रदान कर रहा था। लेखिका हिमालय के पल पल बदलते स्वरूप को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। उसने हिमालय को मेरे नागपति, मेरे विशाल कह करके सलामी दी। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े प्रतीत हो रहा था। हिमालय का स्वरूप कहीं पलस्तर उखड़ी हुई दीवारों की तरह पथरीला लग रहा था। सब कुछ लेखिका को जादू का छाया माया खेल लग रहा था। हिमालय का बदलता रूप लेखिका को रोमांचित कर रहा था। आज के इस वीडियो में हम केवल 7 प्रश्न करेंगे और मैं इसके जो है आगे के प्रश्न आपको अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप तब तक देखते रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल बटन को प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे कि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जो इसमें मैंने गलतियाँ ठीक की हैं तो आप मात्राओं का ध्यान भी रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।